और ये आखिरकार आ गया है एलिफेंट, हाथी मिल गया हमें और अभी देखते हैं हाथी इसके अंदर है। ये है हाथी, ये हमने पहली दफा देखे। क्या देखना आपने? एलिफेंट देखना। तो चलो अभी हम एलिफेंट देखने जा रहे हैं। ये हम आ गए हैं उससे भी ऊपर, एक मंजिल और ऊपर आ गए हैं। ये सारा सफारी पार्क है, सारा बहुत ज्यादा बड़ा एरिया ये। मेरे ख्याल से हमने सारे देख लिए हैं। यहाँ अभी है मेरे ख्याल से और भी हैं यहाँ पे, ये इस साइड पे देखते हैं और क्या है। मगरमच्छ भी अभी है और भी देखते हैं। तो ये है हमारा सफारी पार्क दुबई का पार्ट टू। पार्ट वन हमारा जरा थोड़ा लंबा हो जाना था, इसलिए हमने दो पार्ट बना लिए। ये है पार्ट टू सफारी पार्क दुबई का, और यहाँ पे अभी हम आ गए हैं सेकंड पार्ट की तरफ। और इस पार्ट में है लाइंस है, यहाँ पे अभी लाइन देखने आ गए हम। और लाइन साहब मेरे ख्याल से सोए हुए हैं, ये भी आलसी बने हुए हैं और लाइन सोया है। ये है, ये एक लाइन है लेकिन ये सोया हुआ है। यहाँ पे आती भाई सभी सोए हुए हैं इस वक्त, जो जिस जानवर के पास जाते हैं वही सोया होता है। यहाँ पे गर्मी भी है ना सर, ये चेक करें गर्मी के लिए कैसा एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा है इसके नीचे, ऐसे एसी से भी मजेदार हवा लगती है, ठंडी ठंडी कूल कूल। वो शेर थोड़ा सा उठा है हमें देख के, जरा उठ गया। ये है बाकी, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कोई और शेर भी होगा जो आती भाई उठा हुआ हो तो नज़दीक से देखते हैं। अभी सर यहाँ पे अभी एलिफेंट भी है, एलिफेंट है यहाँ पे इस राइट साइड पे, और मैंने कभी नहीं देखा, पहली दफ़ा देखने लगूँ। और देखते हैं तो असल में कितना बड़ा होता है और कैसा होता है, आपने देखना है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो रन। मुसुमा इसके साथ फोटो नहीं बनानी आपने? नहीं बनानी जी मुसुमा इसके साथ फोटो। ये लाइन, ये ही लाइन है जो नजदीक से हमें अच्छी तरह दिख सकता है, बाकी लाइन तो यहाँ पे सोए हुए हैं। बाकी नेक्स्ट चलते हैं अभी एलिफेंट देखने। क्या देखना आपने? एलिफेंट देखना। तो चलो अभी हम एलिफेंट देखने जा रहे हैं। अभी मसूमा आपकी गाड़ी मैं चला रहा हूँ ना पीछे से, अभी आपका ड्राइवर मैं हूँ। अभी हम एलिफेंट देखने चलते हैं, वो है ये सामने। सुमा क्या ले रही हो आप? वो क्या ऑरेंज जूस? नहीं ऑरेंज तो नहीं है, ये और है, वहां से निकालो। चलो पकड़ो, गरम है, पकड़ा बंदा डालो। वाओ चलो ये अभी खोलो और पियो। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी क्यों आप? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे अभी। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट देखते हैं। और ये आ गया है सुअर, सुअर यहाँ पे सोया हुआ है मस्ती के साथ। ये दो दो जोड़ा बैठा हुआ है दोनों का, और ये दोनों सोए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से बदबू आ रही है इनके पास से, या शायद ये पानी गंदा है या यही गंदे हैं। यहाँ से बदबू आ रही है, यहाँ से चलते हैं। हाँ फिश, हाँ इसीलिए यहाँ मछली भी है। ये चेक करें नीचे मछली है, ये सारी मछली है नीचे, मछली भी है और वो साथ में वो भी है, कछुआ भी है यहाँ पे। ये चेक करें, ये वाला ये कछुआ है, और ये भी, ये दो और कछुए हैं, ये और ये बड़े बड़े कछुए हैं यहाँ पे। ये सुअर कछुए और ये मछलियाँ, ये इकट्ठे ही एक ही जगह पे रखे हैं इन्होंने। अभी इससे आगे है एलिफेंट, एलिफेंट यहाँ इस साइड पे आवाज आ रही है ना, इस साइड पे है ये, अभी हमें आवाज आ रही है उसकी। शेर है, शेर की आवाज है ये शेर की आवाज, क्या पता नहीं जिसकी भी आवाज है। चलते हैं देखते हैं, यहाँ से आगे चलते जाते हैं, देखते जाते हैं कौन कौन सा जानवर रास्ते में आता है। और अभी हमें तलाश है सबसे पहले हाथी की, क्योंकि वो नहीं देखा तो वो देखते हैं आज, वो होगा तो वीडियो जैसा ही लेकिन रियल में देखना कैसा लगता है। तो ये शायद आगे आ गया हाथी, अभी हाथी की तरफ चलते हैं। और ये आखिरकार आ गया है एलिफेंट, हाथी मिल गया हमें और अभी देखते हैं हाथी इसके अंदर है। किधर है हाथी जी? ये ही है, किधर है? नहा रहा है जी हाथी। वाह 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 वाह, ये है हाथी, ये हमने पहली दफा देखे हैं। आपने पहली दफा देखा ना हाथी?
पहले देखा आपने कभी? अच्छा ये छोटे छोटे हैं, वो वैसा बड़ा नहीं है जैसे वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी है तो हाथी ना। नहा रहे इस वक्त, मजे कर रहे हैं। हाथी भाई कितने हैं? ये चार हैं। हाँ ये छोटे दो, ये एक दो, एक वो उधर है, एक वो उधर है, चार है मेरे ख्याल से यहाँ पे, और चारों बच्चे ही हैं, छोटे छोटे हैं ये चारों बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं वैसे, मतलब बड़े हाथी नहीं है ये, छोटे हाथी हैं, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। अच्छा ये पानी में रखे हैं उन्होंने, जमीन पे नहीं रखे। अच्छा ये पानी में रहते हैं ज्यादा, गर्मी की वजह से उन्होंने पानी में रखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उन्होंने पानी में रखे होंगे। सुमा वो देखो एलिफेंट, वो देखो एलिफेंट आ गया। हाँ तुम देखोगे, वो देखो, नहीं नहीं ऐसे देखो ना, वो देखो एलिफेंट। वाओ मजा आया, मजा आया आपको? ज्यादा ही मजा आया, हमसे भी ज्यादा खुशी उसको हो रही है सुमा को देखने। पानी पी रहा है, हाँ वो पानी में है ना, पानी पी रहा है। बहुत बड़ा पार्क है ये, बाकी खैर नेक्स्ट जाके देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन सा जानवर है। चलो अभी इसे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शायद इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, इससे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सी चीज, कौन सा जानवर है। मेरे ख्याल से हमने सारे देख लिए, यहाँ अभी है मेरे ख्याल से और भी हैं यहाँ पे, ये इस साइड पे देखते हैं और क्या है, मगरमच्छ भी अभी है, और भी देखते हैं। अभी काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा है, एक दिन चाहिए पूरा यहाँ पे सफारी पार्क घूमने के लिए, पूरा एक दिन चाहिए। वो देखो हम सुबह हाथी बाघ के आ रहे हैं यहाँ पे, एलिफेंट आ रहे हैं यहाँ पे, ये अभी वो उस पानी वाली साइड से यहाँ निकल गया है, हमारे पीछे पीछे आती भाई, हमारे पीछे उसे पता चला गया मेरे बहुत बड़े फैन आए मुझे देखने, इसीलिए वो पीछे पीछे आ रहा है। अच्छा भाग रहा है वो। अभी ये हमारी एंट्री हो गई है, इसने इसमें काफ़ी ज़्यादा परिंदे, और ये आ गए हैं हम परिंदों वाली दुनिया में हैं। ये नेट लगाओ, इसके अंदर परिंदे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उड़ रहे हैं, ऊपर आगे पीछे, ये चेक करो आदि भाई, तोता देखो इधर आओ, तोता चेक करो, ये देखो कितना बड़ा है ये, और ये अपने सुकून से बैठा हुआ है। हेलो, नहीं अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करना जी, सुकून से बैठा हुआ है। अच्छा लेकिन खूबसूरत है ये देखो, क्या मैं नज़दीक जा रहा हूँ तो चिकन्ना हो रहा है, अच्छा है खूबसूरत है ये। और ये देखें मोर भी हैं यहाँ पे, ये डक्स बैठी हुई हैं नीचे। आदि भाई ये दरख्त बना हुआ है, इसके अंदर क्या है? अच्छा लिफ्ट भी लगी है इसके अंदर, है क्या है आदि भाई? चले चलते हैं, ये दरख्त बना हुआ है, एक अच्छी चीज, यूनिक चीज बनी है, जाके देखते हैं उसके अंदर क्या है। शेरा थक गया, शेरा थक गया। अच्छा ये देखो कैसा यार बनाया डिजाइन इन लोगों ने। अच्छा ये ऊपर वो एक और है ऊपर, वाह ये निकला है हम। अच्छा ये बना हुआ है, ये वैसे ही बना हुआ है, एक स्पॉट बना हुआ, ये देखे ना, ये दरख्त बना हुआ है, बनाया आर्टिफिशियल, और ये एक ब्रिज बना हुआ है, और नेक्स्ट एक और बना है उससे भी ऊपर। अच्छा ये भी आती भाई, ये देखो ये भी बैठा है, वो ये परिंदा चेक करो आती भाई, ये चेक करो कैसा खूबसूरत है यार, वाह ये चेक करें जी, बहुत चला गया। अच्छा ये देखो, पता नहीं कौन सा परिंदा, हमें पता नहीं है, लेकिन बड़ा खूबसूरत परिंदा ये, और ये जिससे सारी दुनिया मानती है खूबसूरत, ये मोर है जी, और ये भी नहीं देख रहा इस वक्त, पीकॉक से कहते हैं पीकॉक, पीकॉक इस वक्त हमें लिफ्ट नहीं करवा रहा, और ये बैठा हुआ है अपने मस्त। अरे भाई ऊपर चलें हम एक दफ़ा, इससे ऊपर लास्ट वो ये ऊपर जाते हैं, और वहाँ से एक फाइनल व्यू देखते हैं, और मेरे ख्याल से यही जगह थी, इसके बाद ये ख़त्म हो गया सफारी पार्क, अभी ये ऊपर चलते हैं इससे भी, ये हम आ गए हैं उससे भी ऊपर, एक मंजिल और ऊपर आ गए हैं, और ये मसूमा भी नीचे आ रही है हमारे पीछे पीछे, और यहाँ से देखें, यहाँ से अच्छा व्यू अच्छा दिख रहा है इसका, सफारी पार्क का सारा, ये सारा सफारी पार्क है सारा, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है ये देखें ना, ये सारा वो उस तरफ वो दिख रहा होगा आपको, वो एंट्रेंस है, वहाँ से हम आए वो सारा घूम के अभी यहाँ पे आए, यहाँ से अभी फिर वापस वहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे ये भी शायद इस यहाँ पे कुछ है, लेकिन हमने तकरीबन देख ही लिया सारा। ये चेक करके कैसा इन्होंने बनाया हुआ है, ये
ये किस चीज का बना, ये पता नहीं किस चीज का बना, ये कंक्रीट कंक्रीट ही लग रहा है, कंक्रीट का ही बना ये, लेकिन बड़ा मजेदार अच्छा बना है। हाँ जी आती भाई, आती भाई की स्नैप नहीं खत्म हो रही। और मसूमा भी आ गई है, मसूमा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मामा। वो देखो नीचे आवाज, ये आवाज बड़ी प्यारी लगती है जी। सुमा मजा आ रहा है आपको? नहीं, उसको शोर आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। चलें जी अब यहाँ से चलते हैं वापस। 2 घंटे हमें लग गए, 2 घंटे हो गए ना अभी हम जाके। हाँ जी, हाँ जी भाई। ओह अच्छा, यहाँ पे छुपा हुआ है ये देखो, ये बैठा है ऊपर चला गया है अभी। ये वैसे ये बाहर वाली साइड पे क्यों, वैसे वैसे ही चला गया ऊपर। हाँ ये ऊपर है, नहीं वहाँ पे भी लगी है जाली, ये है ये आ गया। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो ये था जी अफ्रीकन विलेज, अफ्रीकन विलेज हमने सारा देख लिया, बहुत बड़ा था ये। सुमा जल्दी आओ, चलते हैं अभी, बस खत्म, अभी चलते हैं, निकलते हैं अभी। चलो आती भाई, स्पीड मारो। चलो जी, हमारा ये सफारी का सफर यहाँ पे होता है एंड, और हमारा अफ्रीकन विलेज हमने सारा देख लिया, और यहाँ से भी चलते हैं बाहर। और हमें 2.5 घंटे लग गए हैं यहाँ पे सब कुछ देखते हुए। व्लॉग में तो आपने 10-10 मिनट में सब कुछ देख लेना, हमें 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए तकरीबन। और अभी एग्जिट यहाँ से है, एग्जिट करते हैं, वहाँ से वो पैसे दे लें उसके मसूमा की साइकिल के, और फिर चलते हैं घर की तरफ, बहुत ज्यादा थक गए हैं। अभी मसूमा ने झूले लेने हैं, हैं? अभी मसूमा ने झूले लेने हैं जी, हम अभी एग्जिट नहीं करेंगे, अभी मसूमा झूले लेने हैं, झूले उसे लेके देते हैं और फिर चलते हैं, बस 10 मिनट उसे जरा खुश कर लें फिर निकलते हैं। ये हम आ गए हैं किड्स जोन की तरफ, और यहाँ पे बच्चों के लिए छोटे छोटे ये हैं। ना ये डालो उसको, चारा डालो, फिर वो आएगा तुम्हारे पास आएगी। ओए वो आ गए, आ गए, आ गए। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चों के लिए घोड़े भी हैं, छोटी नस्ल के हैं ये, कोई किड्स जोन की तरफ है। और वो उस साइड पे गधे भी हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, और यहाँ भी हैं गधे, वो साइड पे हैं। मुसुमा भी घर चले क्यों? ये आ गया है जी एग्जिट, और यहाँ से एग्जिट से भी हम बाहर, यहाँ से एंटर हुए थे वो साइड से अंदर गए, और यहाँ से हम एग्जिट हो गया, और अभी अपनी गाड़ी पे चलते हैं, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और अभी घर की तरफ निकलते हैं। ये इनका मेन एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट है ये वाला। ये हो गई जी हमारी, यहाँ से एग्जिट हमने कर लिया, और अभी सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे चलते हैं। और मसूमा वो खुद ही भागती है, अकेले जा रही है। हाँ जाओ, किधर जा रही हो अकेले? तो ये था जी सफारी पार्क, और इसको आज के इस व्लॉग हम करते हैं यहाँ पे एंड, और अभी हम गाड़ी में बैठ के जाने लगे हैं घर। और नेक्स्ट व्लॉग कल इंशाल्लाह आपको मिलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में आती भाई के साथ। और आज का यकीनन ये दोनों पार्ट्स आपको मज़ा आया होगा इसका, सफारी पार्क का। तो लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।